look at me. Hi friends, welcome to Themadtech. नाइट्रोजन ओएस का 8.1 ओरियो आ चुका था एक दो दिन पहले, तो कल उसको फिर से अपडेट दिया है X5YX डेवलपर ने। तो देखते हैं उसे कुछ चेंजेस और उसमें क्या कुछ नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जाते हैं सेटिंग में, अबाउट फोन। जो मेरा थीम है वो सबस्टेटम के थ्रू फोकस का थीम है, उसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको ये थीम अच्छी लगती है। तो मुझे तो अच्छी लगती है, तो मैंने काफ़ी इंस्टॉल किया है इसको। तो बात करते हैं चेंजेस की, जाते हैं अबाउट फोन, चेंज लॉक, अपडेट 11/12/2017। अब इसमें एम्बियंट ऑलवेज ऑन का ऑप्शन आ गया है, उसके लिए बस आपको जाना क्या होगा, और कुछ थोड़े मोटे चेंजेस हैं ऑडियो और गेस्चर वेस्चर के। तो पहले जाना होगा आपको उसमें सेटिंग में, देन डिस्प्ले, एडवांस्ड, और या एम्बियंट डिस्प्ले ऑन कर देंगे तो जब कभी ऑलवेज ऑन, जब फोन लॉक करेंगे तो आपका एम्बियंट अपने आप ऑन हो जाएगा, सॉन्ग, टाइमर, टाइम जो भी आप लगा रहेगा वो नोटिफिकेशन में शो करेगा वहाँ से, और जो नोटिफिकेशन तो बस नोटिफिकेशन के लिए आएगा। मैं भी ऑफ कर देता हूँ इसको, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। और चेंजेस इसमें, इसके प्रेजेंटेशन में गेस्चर का नया ऑप्शन दे दिया गया है, और स्टेटस बार ये दोनों को रिकैटेगराइज किया गया है यहाँ पे लाने के लिए, और एएसपी गेस्चर इसमें इंस्टॉल किया गया है। तो मैं अभी बंद कर देता हूँ। और चेंजेस तो नहीं है, और ऑडियो ये पहले से काफ़ी स्मूथ हो गया है, क्योंकि जो पिछला बिल्ड था वो थोड़ा ग्लिचेस था, थोड़ा कम स्मूथ था, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है क्योंकि ये रोम अब बिल्कुल ही रीडिज़ाइन है। रेडमी नोट 3 कर्नल वर्जन ऑफिशियल है, कर्नल कोई दूसरा कर्नल यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दूसरा कर्नल यूज़ करने में अच्छा नहीं लगता, इनबिल्ड जो कर्नल आता है काफ़ी बेहतरीन होता है, क्योंकि ऑप्टिमाइज़ किया जाता है आपके रैम के हिसाब से। कॉलिंग अभी भी सही नहीं हुई, वीडियो कॉलिंग सॉरी, और ऑडियो कॉल तो परफेक्टली काम दे रहा है। वेलकम टू जियो। वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम अभी भी है, लाइक देख लेते हैं इसको। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर कॉल करने के लिए बट नेटवर्क चला गया, ये प्रॉब्लम थी जो कि अभी भी सही नहीं हुई क्रोम में। देखते हैं कब तक सही होता है। वैसे भी कभी लोग वीडियो कॉलिंग यूज करते हैं, ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप से वीडियो कॉल या मैसेंजर से कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब यूज कर सकते हैं। बैटरी बैकअप थोड़ी सी लिटिल बिट लो है, लेकिन फिर भी अभी तो न्यू बिल्ड है, उतना तो चलेगा ही, क्योंकि अभी आप 8.1 का बजे लेंगे तो उतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं थोड़ा सा कम बैटरी बैकअप। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्च वाली ऑप्शन फिक्स कर दी गई है, न्यू टाइल्स उसमें ऐड किए गए हैं, टाइल्स जैसे काफ़ी देर है, काफ़ी देर टाइल्स हो गए हैं, अब स्क्रीन रिकॉर्ड टाइल ऐड किया गया है, स्क्रीन रिकॉर्ड का टाइमर दे दिया गया है, स्क्रीन रिकॉर्ड का टाइम तो ये जैसे कर रहे हैं, जब क्लिक कीजिए स्क्रीन रिकॉर्ड होने लगे आपका, फिर उसको बंद कर देते हैं। ये था स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन, और भी चीज़ें छोटे छोटे जो कि फोन को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। तो मैं कहूँगा इस फोन को अगर आप जरूर यूज़ कीजिएगा, और ये थीम आपको अच्छी लगे तो इंस्टॉल जरूर कीजिएगा। थैंक्स गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड्स, द मैट।